हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। एक बार फिर से अगेन बताना चाहूंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मींस जब किसी भी फ्रैक्शन को, यानी जो किस कोई भी नंबर p / q के फॉर्म में लिखा होता है, उसको अगर हम अगेन एंड अगेन मल्टीप्लाई करते हैं या फिर अगेन एंड अगेन डिवाइड करते हैं और करने के बाद अगर हमारा आंसर इक्वल आता है तो उसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, मेरे पास ये एक फ्रैक्शन है, मैंने इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया है, 1 से मल्टीप्लाई, का आंसर क्या आ गया, हमारे पास सेम आंसर आया है। अगेन इसी आंसर को जब मैं अगेन मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, यानी 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर आ रहा है हमारा 4/6। फिर इसी 4/6 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 12/18। इट मींस ये जो हमारा फ्रैक्शन आ गया 2/3, 4/6 और 12/18, यानी ये इक्वल है। कैसे, हाउ कैन, तो इसके लिए भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जब मैंने 2/3 को 1 से डिवाइड किया है 1 से, तो आंसर क्या है हमारे पास 2/3। फिर मैंने इस 4/6 को 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या है हमारे पास 2/3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 2/3 और 2/3, इट मींस ये दोनों ही इक्वल आंसर्स आ रहे हैं। इसका मतलब कि these are equivalent fraction। तो ये क्या हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। अब इसी तरह से अगर हम डिवाइड के क्वेश्चन को देखें तो हमने मल्टीप्लाई के मेथड से किया था, अब हम कुछ डिवाइड के मेथड से भी करके देखते हैं। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे देखिए मेरे पास ये 3 रेक्टेंगल है जिसे मैंने इसे हाफ डिवाइड कर दिया और हाफ पोर्शन को शेप कर दिया। यहाँ मैंने इसके 4 पार्ट्स किए और 2 पार्ट्स को शेप कर दिया। अब यहाँ मैंने इसके 3 पार्ट्स किए और 3 में से 3 बॉक्स को शेप कर दिया। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनता है, ये फ्रैक्शन बनेगा 1/2, क्योंकि ये 2 बॉक्स है, 2 में से 1 शेप है। ये फ्रैक्शन बनता है 4/2। ये फ्रैक्शन बनता है 3/6। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इन तीनों फ्रैक्शन को इक्वल प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ डिवाइड। हाउ कैन, तो 1/2 को जब मैंने डिवाइड किया 1 से तो आंसर तो हमारा 1/2 आ गया। अब मैं उसे लेती हूं, 2/4 को जब मैंने डिवाइड किया 2 से तो आंसर है 1/2। अब देन थर्ड, 3/6 को जब मैंने डिवाइड कर दिया 3 से, मैं यहां पे 3 से क्यों डिवाइड कर रही हूं कि ये 3 और 6 दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं। यहाँ मैंने इसको 2 से डिवाइड किया था, रीजन क्या था, क्योंकि ये 2 के टेबल में आते थे। जैसे ही मैंने इसे डिवाइड किया तो ये आ गया 1/2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों का आंसर सेम आ रहा है, तीनों का आंसर सेम है 1/2, 1/2 एंड 1/2। इट मीन्स कि दीस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर इनके डिनोमिनेटर्स या फिर न्यूमिनेटर डिफरेंट नंबर होते तो फिर वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं कहलाता। फॉर एग्जांपल सपोज दैट इस तरह से 4/5 या 2/7 या फिर 6/2 लिखा होगा तो दीस आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओनली